हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर से हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ये सिखाऊंगी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जो 8 मार्क का लॉन्ग सम आता है उसमें फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है, यानी आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और सेक्रीफाइस शेयर्स। तो फर्स्ट स्टेप जो लॉन्ग सम में होता है वो यहाँ पर शॉर्ट सम्स में आपको दिया गया है। तो हम ये स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें सब क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस है, फर्स्ट से स्टार्ट करें। तो रीड करती हूँ क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स लिख दी है। आपको दो पार्टनर्स ए और बी जो है उनका ओल्ड शेयर दिया, यानी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2। अब उन्होंने एक नया पार्टनर यहाँ पर एडमिट किया, यानी एक नए पार्टनर को इन्वॉल्व किया जिसका प्रॉफिट शेयर है 1/4। अब सभी क्वेश्चन में आपको सिमिलर चीज़ें फाइंड करनी है, दैट इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू शेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की फॉर्मूला है, दैट इज़ सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट। तो ये है फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सम्स होते हैं तो हमेशा सेक्रीफाइस ही फाइंड किया जाता है। ओल्ड शेयर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू शेयर्स आपको फाइंड करने हैं और सेक्रीफाइस रेशियो जो क्वेश्चन में कहा गया है। अब सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, न्यू शेयर। क्योंकि न्यू शेयर फाइंड करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं इनको माइनस करने से। तो फर्स्ट स्टेप आपको न्यू शेयर फाइंड करना है, तभी आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर सकेंगे। तो न्यू शेयर कैसे फाइंड करना है, तीनों पार्टनर्स के लिए। हमें सी पार्टनर का शेयर दिया गया है और इनका ओल्ड शेयर है, और उससे हमें फाइंड करना है इन तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर। न्यू शेयर फाइंड करने के लिए ए बी और सी लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे यहाँ पर सपोज कर लीजिए, ये आपको फेयर वर्क में फर्स्ट स्टेप करना है। सपोज़ अगर पूरी फर्म का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट पूरे फर्म का है, सपोज़ कीजिए ₹1, ऑलराइट, ₹1 इनका टोटल प्रॉफिट है। अब अगर सी जो नया पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/4 है, यानी टोटल ₹1 में से 1/4 शेयर सी के अगर माइनस कर दें तो कितने मिलेंगे। अब 1 में से माइनस करना है 1/4, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। 1 के नीचे अभी 1 है, अगर कुछ ना हो तो आप इसे 1 ही समझिए। अब ये 1 और ये 4 डिनोमिनेटर में दोनों सेम होंगे तो ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सेम करने के लिए इस 1 को हमें 4 में कन्वर्ट करना है। तो 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 1/4 upon 1/4 और ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए कि अगर टोटल ₹1 का प्रॉफिट है फर्म में, उसमें से यहाँ पर सी का शेयर माइनस कर दें तो कितना बचेगा। तो ये सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, 4 - 1 आंसर आएगा 3, और तो 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 जो आंसर आया है ये है रिमेनिंग शेयर्स, यानी अब जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं ए और बी वो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उनके लिए ये बन जाता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइंट, यानी इस शेयर में से अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी के लिए शेयर तो दिया हुआ ही है 1/4, न्यू शेयर हम फाइंड कर रहे हैं, पहले हम न्यू शेयर्स फाइंड कर रहे हैं ये वाला, उसके बाद सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे। तो ये वर्किंग नोट आपको पहले करना है।
अब आप समझ गए हमें 3/4 मिला है। अब आपको क्या करना है, ए और बी दोनों में रख दीजिए 3/4 और 3/4। अब 3/4 और 3/4 में से इनका जो ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इनको न्यू शेयर मिलेगा। जैसे 3:2, 3:2, तो 3/4 में से ए का शेयर है 3 और डिवाइड कीजिए इसे टोटल 3+2, 5 से। ए का शेयर है 3, तो 3 रखेंगे, इन दोनों का एडिशन कीजिए 5, 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से बी के लिए सेम एज इट इज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर पार्टनर बी, यहाँ पर बी का शेयर है 2 ओल्ड शेयर और उसे डिवाइड करेंगे इनके टोटल शेयर से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। सॉल्व करते ही हमें यहाँ पर न्यू शेयर्स मिल जाएंगे तीनों पार्टनर्स के। ये तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर आता है 20 डिनोमिनेटर मिल चुका है। अब 20 डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप 3 × 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 × 3 होगा 9। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डिनोमिनेटर सेम की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्लस या माइनस हो तब आप डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो 4 × 5 यहाँ पर 20, 3 × 2 = 6। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं अब जो पार्टनर सी है उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर उसका शेयर, यहाँ पर उन ये जो न्यू पार्टनर है उसके लिए तो 5 ही रहेगा, क्योंकि सेम करना चाहते हैं 20 से, तो यहाँ पर भी हमने 5 रख दिया। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्योंकि हम इस सीक्वेंस में लाना चाहते हैं सी का शेयर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पर भी 20 रख दिया। 1 × 5 = 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों का शेयर आपको मिल चुका है, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी 9, 6 और 5। तो अब 20 हो जाता है, इन तीनों का टोटल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, न्यू शेयर्स हमें मिल चुके हैं 9/20, 6/20 और 5/20। किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है सी पार्टनर को एडमिट करने पर ए और बी में से, तो इस तरफ का पोर्शन इरेज करती हूँ और यहाँ पर मैं आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो फाइंड करके दिखाऊँगी। न्यू शेयर फाइंड करने के बाद सेक्रीफाइजिंग रेशियो फाइंड करना है, तो सेक्रीफाइज रेशियो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके लिए फाइंड किया जाएगा। न्यू शेयर्स आप देख सकते हैं 9:6:5, यानी जो हमने फाइंड किया 9, 6 और 5, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरह से लिख दीजिए ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। अब आपको न्यू शेयर चाहिए सिर्फ 2 पार्टनर्स का और ये है ओल्ड शेयर। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सेक्रीफाइस की, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर देखिए दोनों पार्टनर्स के यहाँ पर लिख देते हैं आप 3/5 और बी के लिए है 2/5। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, उनके न्यू शेयर, तो 9। अब आप डिवाइड किससे करेंगे, तो 9 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 20 से, इन तीनों का एडिशन 9/20। आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप यहाँ से ही वैल्यू लीजिएगा 9/20 और यहाँ पर न्यू शेयर 6/20। अब आपको 5 को भी 20 बनाना है तभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे, माइनस और प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसी तरह से यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट कीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 − 9, 9/20। तो इसे सॉल्व कीजिए, 12 − 9 हमारा आंसर यहाँ पर आता है 3/20। तो ये बन जाता है सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर ए। अब बी के लिए फाइंड करते हैं, 4 × 2 = 8 माइनस ये रहा 6 और दोनों साइड 20 है तो 20 रख दीजिए, 8 − 6 हमारा आंसर आएगा 2/20। ये है सेक्रीफाइस बाय पार्टनर बी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फाइंड किया, आप देख सकते हैं कंप्लीट स्टेप्स, और ये हमने फाइंड कर लिया न्यू शेयर एज वेल एज सेक्रीफाइस, ठीक है, ये रहा न्यू शेयर का और ये रहा सेक्रीफाइस का पोर्शन। आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, आप अपने आप से इलस्ट्रेशन और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के सम सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है।
तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू रीड करती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड 2:10। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस आपको वैल्यूज़ जो दी गई है, जो शेयर्स दिए गए उसमें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डिफरेंट दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ पर हम सेक्रीफाइस रेशियो एज वेल एज जो न्यू शेयर्स है प्रॉफिट के वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेथड हमें सेम जो लास्ट सम ने फॉलो की वही फॉलो करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स नोट डाउन कर ली है। आपको दिया गया है ओल्ड शेयर, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 4:5 और 2:10। अब न्यू शेयर दिया गया है फॉर पार्टनर्स सी 20% ऑफ प्रॉफिट। हमें फाइंड क्या करना है, न्यू शेयर और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए ओल्ड शेयर चाहिए, उसमें से माइनस करना होगा न्यू शेयर। यानी सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, न्यू शेयर। न्यू शेयर मिल जाएगा तो हम सेक्रीफाइस फाइंड कर सकेंगे। ओल्ड शेयर उसे मल्टीप्लाई करना होगा रिमेनिंग शेयर्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर पार्टनर्स का आपको दिया गया है, रिमेनिंग शेयर क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। आप सपोज कर लीजिए पूरे फर्म का प्रॉफिट है ₹1, अज्यूम कीजिए सिर्फ ₹1 पूरे फर्म का प्रॉफिट है। अब उसमें से जो नया पार्टनर सी आया है उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20%। तो 1 - 20% कर दीजिए, 20%। अब 1 में से कैसे माइनस करना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप 20/100 कर दीजिए तो ये 20% हो गया। 0 कैंसिल तो यहाँ पर 2/10 है, ये फर्दर डिवाइड होगा 1 and 5। 2 1 और 10 कब आता है, 5 2 5 10। तो 1/5 इट मीन्स 1 - 1/5 राइट। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन कीजिए। अब 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब 1 और 5 दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें 1 को क्या करना है, 5 बनाना है। तो हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 1 5 5 / 1 5 5 माइनस ये वाला 1, यहाँ पर 5 ही है तो 5 ही रहेगा, 5 - 1 यानी 4/5। ये बन जाता है रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स यानी जो बाकी के दो पार्टनर्स है ए और बी, ये सी का शेयर हमने माइनस किया है, 1/5 जो है वो सी का शेयर है। सी को माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स अपने आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब 4/5 से हमें कैलकुलेट करना है, 4/5 और 4/5 राइट। सी के लिए हमें 4/5 नहीं लिखना है क्योंकि 1/5 पहले से सी का न्यू शेयर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स पे फोकस कीजिए। अब हमें इनका ओल्ड शेयर चाहिए, ये रिमेनिंग शेयर हमने लिख दिया, अब इसे मल्टीप्लाई क्या करना है, ओल्ड शेयर। तो ए डिनोमिनेटर अलग है यानी जो ओल्ड शेयर होता है वो हमें रेशियो में दिया गया होता है, तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन्हें सिमिलर करना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है आप देखिए। तो यहाँ पर अगर आप 4/5 को, इस 5 को हमें 10 बनाना है राइट, तो आप इसे क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 8 और इस तरफ आपको 2 तो दिया हुआ ही है, यानी दोनों का सिमिलर अगर डिनोमिनेटर हो जाए तो 8/10 और 2/10 तो 8:2 ये आपको मिलता है ओल्ड शेयर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8/10 और 2/10। हमने क्या किया, इस 4 को चेंज कर दिया। अब इस तरफ आप मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन यानी अब यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 8 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 32 और 5 10 50। इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर 50 और 4 2 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 है डिनोमिनेटर में, इसे भी हमें क्या बनाना है, 50 बनाना है। इसे 50 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ऊपर भी 10 से, तो यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर मिलेगा 50। तो अब आप देख सकते हैं 32 8 और 10, तो इस तरह से आपको ये मिल चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है,
अब मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ, हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें न्यू शेयर मिल चुका है, हम ओल्ड में से न्यू वाला माइनस करेंगे। सो ए और बी दोनों पार्टनर्स के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, तो उनका ओल्ड शेयर लिखेंगे। ओल्ड शेयर आप देख सकते हैं 8:2 यानी 8/10 और इसका होगा 2/10। माइनस करना है न्यू शेयर, तो ये वाला न्यू शेयर रखिए। ए के लिए है 32/50, तो 32/50 और बी के लिए यहाँ पर हमें मिला था 8/50, तो 8/50 लिख दीजिए। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 और 10 दोनों अलग अलग दिए गए। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप 10 को यहाँ पर 50 बना दीजिए, 50 को तो 10 नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऊपर आंसर फिर पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब डिनोमिनेटर दोनों साइड 50 हो चुका है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 8 ज़ा होता है 40, माइनस कीजिए ये रहा 32। सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा 8/50। ये क्या है, सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ए। अब सेक्रीफाइस बाय पार्टनर बी फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों साइड डिनोमिनेटर 50 बन जाएगा। अब 5 2 ज़ा 10 और 8 तो 8 ही रहेगा। अब माइनस कीजिए, 10 - 8 2/50। ये क्या है, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर बी। इस तरह से आपको फाइंड करना है कंप्लीट यहाँ पर सेक्रीफाइस एज वेल एज न्यू शेयर्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आई होप अब आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा मैं अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और अगर आप उनके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन में आपको वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टू सेम, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट सम आपको समझ नहीं आए। शॉर्ट सम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते ही आपको पहले इस तरह का सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू शेयर फाइंड करना पड़ेगा पार्टनर्स के लिए। इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं अकाउंट्स में चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो आप तब तक इन शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ताकि हम उसमें कोई बिना किसी डिफ़िकल्टी के इजीली इस स्टेप को कवर कर सकें। सो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।